सभी को मेरा जय हिंद। आज फिर मैं आपके लिए जो 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुका हूँ, जो आपकी आर्मी जीडी जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। बहुत से कंपटीशन एग्जाम में जो पूछे जाने क्वेश्चन है वही आपके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। फिर इससे पहले आपको कुछ चीज़ आपको कहना चाहूँगा, यदि आपकी कड़ी मेहनत है तो आपका एक जो कड़ी मेहनत आपका हथियार है तो आपका सफलता जो आपके जो सिलेक्शन है वो आपका गुलाम हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कड़ी मेहनत के बाद में आप जो इससे कामयाब के साथ में जुनून के साथ में दिल लगा के मेहनत करते हो तो गारंटी के कहता हूँ कि आपको सफलता सिलेक्शन और ये सारे जो आपके गुलाम हो जाएंगे और आपको सिलेक्शन सीधा आपको सामने दिखेगा कि मेरा सिलेक्शन पक्का है। ऐसा अपने आप पे भरोसा होना चाहिए और जो अपनी मेहनत पे भरोसा होना चाहिए। अब जो मैं तीन क्वेश्चन बताने वाला हूँ, 30 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ। 31वां क्वेश्चन पर ध्यान दें, दबाव का मात्रक पास्कल होता है, इस चीज़ को नोट कर रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद अपना जो दूसरा जो क्वेश्चन है, खाना पकाने का जो बर्तन होना चाहिए उच्च विशिष्ट ऊष्मा का निम्न चालक का होना चाहिए, ठीक है। ध्यान रखें कि ये भी जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। इसके बाद जलने में जो जल उत्पाद गिरने पर उसका जो तापमान बढ़ेगा क्या होगा, इसका जल उत्पाद बढ़ेगा। जलने में जब जल ऊंचाई से गिरने पर उसका जल उत्पाद क्या बढ़ेगा, बढ़ेगा। इसमें केल्विन का जो तापीय बर्फ का गलनांक क्या होता है तो 0-0°K होता है, ठीक है। ध्यान रखें 0°K होता है, इसका तापमान क्या होता है, 0°K होता है। इसके बाद में दूसरे देखो, पाटनी शब्द के जो उत्पत्ति किस शब्द से होती है तो ये ग्रीक शब्द हैं, इसकी पाटनी जो शब्द होती हैं जो इसकी ग्रीक शब्द से हुई है। 36वां क्वेश्चन पर ध्यान दें, क्यूरी किसका मात्रक है तो ये जो रेडियो एक्टिव धारिता का जो मात्रक है क्यूरी, ये भी जो बहुत से क्वेश्चन में मैंने देखा है ये पूछा गया है। तो क्यूरी किसका है तो रेडियो एक्टिवता जो धर्मिता है उसका जो एक मात्रक है। 37वां क्वेश्चन पर ध्यान दें, किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है हर कंपटीशन एग्जाम में, चाहे राजस्थान पुलिस का हो, दिल्ली पुलिस का हो या अपने आर्मी का हो, कई बार ऐसे क्वेश्चन मैंने देखे हैं, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ जाता है। किस रंग की जो तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, ये बैंगनी किरण होता है उसके कारण सबसे कम होती है, ठीक है, ध्यान दें। इसके बाद में जो अपने 38वें क्वेश्चन पर ध्यान दें, कमरे में रखे जो रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये भी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पर भी दिमाग लगा कर सही से लिखें इसके, ठीक है। क्या होता है, कमरे का जो यदि कमरे में रखा है जो आपका फ्रिज है उसका दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो क्या होगा, तापमान बढ़ जाएगा, कमरे का ताप बढ़ जाएगा। इसके बाद 39वें क्वेश्चन पर गाइस ध्यान दें, इसमें कुछ बता रखा है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, ये तो सबको बताया है कि 7 रंग होते हैं, पर कौन कौन से होते हैं वो भी देख लेना, जो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसके बाद में जो 40वां क्वेश्चन है इसमें देखें, सेकंड जो फोंडल का जो आवर्तकाल होता है, आवर्तकाल क्या होता है तो सेकंड जो फोंडल होता है उसका 2 सेकंड होता है, ठीक है। 41वें पर ध्यान दें, भारतीय विज्ञान संस्थान है जो कहाँ स्थित हैं तो ये जो बेंगलोर में है, ठीक है, बेंगलोर में है तो बेंगलोर में ध्यान दें, भारतीय जो विज्ञान संस्थान कहाँ पर है, बेंगलोर में। इसके बाद 42वां क्वेश्चन, जो प्राग ध्वनिक विमान चलता है तो ये ध्वनि की चाल से अधिक होता है, जो प्राग ध्वनि के जो विमान होते हैं वो ध्वनि की चाल से अधिक होते हैं, ठीक है। इसके बाद में जो भूमि स्थिर जो उपग्रह, भूमि स्थिर उपग्रह की जो पृथ्वी से ऊंचाई होती है तो भूमि उपग्रह की ऊंचाई होती है वह 36,000 किलोमीटर होती है, ठीक है, 36,000 किलोमीटर होती है। और जो 14 जो निम्न में से जो किसी पदार्थ की जो ऑक्सीजन नहीं होती है और उसमें मिट्टी का तेल, ये कुछ अलग है लेकिन ध्यान दें कि कितना होता है तो 36,000 किलोमीटर ऊंचाई होती है। 44वें क्वेश्चन पर नोट करें, इसमें जो चिकित्सक है जो शास्त्र के विद्यार्थियों की किस शपथ को दिलाया जाता है तो जो हिपोपैक्स उसका नाम से होता है, इसके शपथ दिलाई जाती है। इसके बाद जो ये 45वां क्वेश्चन इस पर दें, कार में रेडियर, एक सेकंड, कार में जो रेडिएटर का जो कार्य क्या होता है, इंजन को ठंडा करने, रेडिएटर होता है वो जो इंजन को ठंडा करने का काम करता है, ध्यान रखें। इसके बाद में क्या होता है, जो 46वां क्वेश्चन पर ध्यान दें, मनुष्य के शरीर का तापमान होता है 37°C होता है, सेल्सियस माना जाता है, लेकिन जो इससे ऊपर हो जाता है कई बार तो वो बुखार हो जाता है, और जो इससे मिनिमम ध्यान रखें, और जो बाकी जो फॉरेनर में पूछा जाता है तो 98 होता है, ठीक है, 98.5 मान सकते हो, ये नॉर्मल बेसिक है तो 98.8 तक माना है आप, ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और यदि जो 98 से ऊपर होता है तो आपका जो प्योर होना ये चीज़ होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है।
अब ध्यान दें 47 क्वेश्चन पर। दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को, दूरदृष्टि पीड़ित व्यक्ति को जो निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है, क्या होता है? निकट की वस्तुएं इनको दिखाई नहीं देती हैं। ध्यान दें, क्या होता है दूरदृष्टि? दूर की वस्तु तो इसको दिख जाएगी लेकिन ये जो पास की वस्तु पास में नहीं दिखेगी, दूरदृष्टि से वो बोलता है। और निकट दृष्टि होता है उसको निकट की वस्तु दिख जाती है लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखती, ऐसा होता है। ध्यान दें, दूरदृष्टि और निकट दृष्टि कुछ अंतर नहीं है। दूर यानी इसका दूर की वस्तु दिख रही है, निकट में निकट की वस्तु दिख रही है, और निकट में निकट की वस्तु दिखेगी और लेकिन दूर वाली वस्तु उसको नहीं दिखेगी। तो इसी प्रकार दूर की वस्तु, दूरदृष्टि में दूर की जो वस्तु तो दिख रही है इसको, लेकिन निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है। ध्यान दें, उसके बाद में 48 क्वेश्चन पर फोकस करें। किताब के ऊपर रजू रखे किसी लेंस के जो ऊपर उठाने पर जो यदि जो मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ जाता है तो उसका लेंस होगा उत्तल लेंस होगा, जो उत्तल लेंस माना जाता है। ठीक है, ध्यान दें इस पर भी। उसके बाद में यदि जो यदि किसी लेंस में लेंस से जो अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो लेंस का क्या होगा? यदि अवतल लेंस होगा। इसके बाद हम 50वां क्वेश्चन देखें। तारों का टिमटना जो ये अपवर्तन के कारण होता है, इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर नोट करें और इस पर जो गौर करें। ये तारों का जो टिमटना होता है किसके कारण होता है? तो अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, अब जो दूसरे क्वेश्चन है, अब दूसरे क्वेश्चन है इस पर जो 51वां क्वेश्चन, इसमें निम्न में से कौन सा एक है जो आवेग रहित कण है? तो न्यूटन ने जो ये किया है आवेग रहित कण, इसमें जो ना तो कुछ प्लस होता है ना ही माइनस होता है। ठीक है, इस पर ध्यान दें। उसमें जो न्यूट्रॉन होता है, जो न्यूट्रॉन में इसमें ना तो प्लस होता है ना माइनस होता है, ये एक शून्य के बराबर ऐसे मान सकते हो आप, इनमें कुछ नहीं होता है। ठीक है, इसमें जो देखो 52वां क्वेश्चन इससे नोट करें, पौधों के जो आंतरिक संरचना का जो अध्ययन होता है वो जो है आपके शारीरिकीय कहला जाता है। किसको कहते हैं? शारीरिकीय कहला जाता है, इसको एक शब्द कहा जाता है। ठीक है, इसमें निम्न में से किसी जो किस रंग का जो अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी किरण मैंने आपको बताया कि इसका सबसे अधिक होता है, और ये जो एक नोट और भी बताया था मैंने, इसमें यही नाम था, किस रंग की जो तरंग दीदी सबसे कम होती है? तो इसकी सबसे कम होती है, और जो इसका क्या होता है, इसका जो अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, और इसकी तरंग दीदी होती है वो सबसे कम होती है। 54 पे ध्यान दें। स्वच्छ जो जल से, स्वच्छ जल से जो बड़े तालाब का जो गहराई है जो 3 मीटर है, ठीक है, गहराई 3 मीटर है जो प्रतीत होती है, यदि जो हवा के अपेक्ष से जो जल के अपवर्तनांक से जो 4/3 है तो तालाब की जो वास्तविक गहराई क्या है? तो वो 4 मीटर हो जाएगी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पर पूछे जाते हैं तो ऐसे क्वेश्चन पर भी देख लें एक बार सही से। इसके बाद में जो 55 क्वेश्चन पर देखें, लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वह जो डायोप्टर कहा जाता है, लेंस की क्षमता होती है उसका क्या कहता है? डायोप्टर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पर नोट करें। ठीक है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो ये डायोप्टर होता है, ये जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद में 56वां क्वेश्चन, ठीक है, इस पर देखें, रडार की जो कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो जो रेडियो तरंगों का, जो रेडियो तरंगों का प्रवर्तन होता है उसके कारण होता है। रेडियो रडार होते हैं वो किस पे काम करते हैं? ये ध्यान देखें, रेडियो तरंगों का प्रवर्तनांक होता है। 57वें क्वेश्चन में देखें, न्यूटन की गति के नियम के अनुसार निम्न में से कौन सा तत्व सत्य है? तो द्वितीय नियम बल की परिभाषा, ये तो जो आप पढ़ देना न्यूटन के जो भी जो 3 नियम है उन तीनों को एक बार फोकस कर देना, इसमें जो इसमें कुछ अलग लिखा है लेकिन मैंने आप नोट कर दिया। ठीक है, अब जो दूसरा क्वेश्चन देखो, 58वां क्वेश्चन, किसी पिंड के जो ऊपर जो गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में जो विराम या जो एक समान गति की स्थिति में परिवर्तन या जो विरोध करता है? तो जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम होता है। तो ये भी देख लें क्या होता है क्या नहीं। ठीक है, इसके बाद में जो आपके गुणसार वाले जो है इस पर देखें, लेंसर जो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो लेंसर जो ये आपके विकिरण के जो उत्सर्जन पर कार्य करता है। 60वां क्वेश्चन, दलदल में जो फंसे व्यक्ति को, दलदल में फंसे व्यक्ति को जो जो लेट लेट जाने की सलाह दी जाती है, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, क्यों? क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम लगेगा। समझ गए, ये दलदल होता है जहाँ पर बंदा कोई फंस जाता है तो वहाँ पर आपको क्या करना है? लेट जाना है, जिससे जो आपका ये इसका जो होता है वो ज़्यादा हो जाएगा और जो क्षेत्रफल अधिक होगा तो दबाव कम लगेगा। ये थे आपके जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए हैं। और इससे पहले कुछ चीज़ और भी बता देता हूँ, हौसला बारूद रखो, यानी हौसला बारूद रखो, वतन के कदमों में जान मौजूद रखें, हंसते हंसते तक हस्ती तक मिटा देंगे दुश्मन की, हम फौजी हैं फौलादी
जिक्र रखते हैं। सभी को मेरा जय हिंद और वंदे मातरम। सभी को बेस्ट ऑफ लक, तैयारी कंटिन्यू रखो। और भी कोई जो कल वापस 7 बजे के समथिंग में आपको और भी क्वेश्चन लेकर आऊँगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे।